अस्सलामुअलैकुम। सदर्स कुजीन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए कच्चे आमों की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने ये 1 kg आम लिए हैं। मैंने 1 किलो आम लिए थे, उनको मैंने छील कर छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो ये तकरीबन अब 750 ग्राम है। 500 ग्राम मैंने चीनी ली है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 टीस्पून मैंने चारों मगज लिए हैं। चटनी में जो मैंने नमक और काली मिर्च डाली है वो मैंने चम्मच भर भर के नहीं डाले, ये मिकदार इसकी रखनी है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा रखेंगे तो बहुत तेज़ हो जाएगा। अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, मैंने ये डाला है। चूँकि आम बहुत खट्टे हैं तो मैं इनको थोड़ा सा बॉयल कर लूँगी। इसमें एक उबाल आ गया, मैं इसकी आग बंद कर दूँगी। अब मैं इसको छान लूँगी। इन आमों को मैं दोबारा इस देगची में डालूंगी, फिर इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको पड़ा रहने दूंगी। ये 500 ग्राम इसमें चीनी जा रही है, 4-5 अदद सब्ज़ इलायचियाँ मैंने इसमें डाली हैं, 1 कप पानी इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन इसको आधा घंटा हो गया है और हमारी चीनी सारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसको पकाएंगे। अब इस चटनी को पकते हुए तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं। इस जगह पे आके मैं नमक और काली मिर्च डालूंगी। और तकरीबन 10 मिनट तक और पकाऊंगी। बस हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें ये जो मगज़ मैंने रखे हुए हैं ये इसके अंदर डालकर हिलाऊंगी और इसको हम डिश आउट कर देंगे। इसका शीरा हमने बहुत थिक नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको रखेंगे फ्रिज में तो ये खुद ब खुद थिक हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।